हेलो एवरीवन तो प्रीवियस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ alpha, equation, plus plus 0, a a 0, है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्स सी इक्वल टू जीरो तो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा ठीक है एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी बाई ए हमें पता है दूसरी चीज ये बोल रहा है कि वन कॉमा एल्फा प्लस बीटा कॉमा एल्फा बीटा ये क्या है ए पी में है ठीक है तो अगर ये होगा तो ये वाला टर्म भी क्या होगा सी बाई ए ये भी क्या होगा ए पी में होगा और यहाँ से हम ए पी का कंडीशन फिर लिख सकते हैं माइनस टू बी बाई एक्वल टू वन प्लस सी बाई ए तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस सी बाई ए है ना तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस टी माइनस प्लस ट्वाइस बी इक्वल टू जीरो ठीक है ए से ए कैंसिल हो गया इसको उस तरफ लेके चलेगा तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई दूसरी चीज ये बोल रहा है कि अल्फा टू एंड बीटा क्या है ये एच पी में है ठीक है तो इसका जो इनवर्स होगा वन बाई टू और वन बाई बीटा ये किस में हो जाएगा फिर एपी में हो जाएगा ठीक है एचपी के क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं और इसमें फिर एपी का कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा टू बाई टू इक्वल टू वन बाई एल्फा प्लस वन बाई बीटा और ये किसके इक्वल हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा बाई एल्फा इंटू बीटा ये दोनों कैंसल होकर वन दे देगा एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई एल्फा इंटू बीटा और एल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए तो यहाँ से हमारे पास एक ही क्वेश्चन क्या आ गई माइनस बी इक्वल टू सी ठीक है माइनस बी इक्वल टू सी यहाँ पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी ए माइनस बी प्लस ट्वाइस बी इक्वल टू जीरो ठीक है सी की वैल्यू पुट कर दी माइनस बी यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू माइनस बी ठीक है इस दोनों को अगर आप कंबाइन करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा एक्वल टू माइनस बी इक्वल टू सी ठीक है और इसको एक कांस्टेंट हम K के के इक्वल मान लेते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ गई के बी इक्वल टू माइनस के एंड सी इक्वल टू के और हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो के कॉमन निकाल लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये हमारा इक्वेशन हो गया और इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं ठीक है हमने ऑरिजिनल इक्वेशन में ही बस ए को रिप्लेस किया तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन और अल्फा बीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी वन ठीक है अब हमें इक्वेशन पूछा क्या है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू एल्फाइर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एल्फाइक् प्लस बीटा स्क्वायर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ठीक है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हम एल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म को भी हम सेम उसी तरीके से रिप्लेस कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और सारी वैल्यू वन है तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस टू डिवाइडेड बाय टू इंटू वन माइनस टू ऊपर में कितना हो जाएगा माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस टू वैल्यू कितनी हो जाएगी वन पॉइंट फाइव है ना तो यहां पे हम क्या पुट कर पाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी e ऑप्शन आप यहां पे मार्क कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे है पास सिग्मा ऑफ सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू जीरो टू सेवन ये सेवन सी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस टू सी आर ठीक है ये भी आपको पता होगा सेवन आर अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ते कैसे सेवन सी आर के फॉर्मेट में ठीक है तो अब देखो नीचे वाले टर्म्स को ब्रेक करते हैं सिग्मा वाला पार्ट तो बाहर है ही जीरो टू सेवन सेवन सी आर को अभी सेम रहने देते हैं नीचे वाले पार्ट को ब्रेक करोगे तो ये क्या दे देगा एल आर प्लस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इन टू फैक्टोरियल है ना और ऊपर वाले टर्म को ब्रेक करोगे आर प्लस टू फैक्टोरियल को तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल यहाँ से देखो ये दोनों टर्म कैंसल हो गया टू फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा तो उसको बाहर निकाल लिया ये टू जीरो टू सेवन सेवन सी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस टू इंटू आर प्लस वन ठीक है एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी है ना नहीं है तो उसका आप प्रूफ भी इजीली देख सकते हो

R माइनस वन है और यहाँ पे R है यानी इससे एक ज्यादा टर्म यहाँ पे होना चाहिए ठीक है n माइनस वन है और इसके साथ एक टर्म यहाँ पे ज्यादा है तो फाइनल वैल्यू एन सी आर के इक्वल हो जाती है ठीक है देखो सेम टाइप का टर्म हम यहाँ पे भी जनरेट करने का ट्राई करते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो ऊपर में है, है? r सेवन सी आर है ठीक है सेवन सी आर है ये राइट हैंड साइड को देखना सेवन सी आर है और नीचे वाला टर्म में देखो आर प्लस वन का टर्म यानी इससे एक ज्यादा टर्म डिवीजन में तो आर वन से एक ज्यादा टर्म आर यहां पे डिवीजन में बस अगर ऊपर में एट होता है ना क्योंकि एन माइनस वन से एक ज्यादा एन होगा तो सेवन से ज्यादा एक एट होता तो अगर मैं ऊपर नीचे एट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दू है ना तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा ये पूरा टर्म बन जाएगा एट सी आर प्लस वन ठीक है यहाँ जो आर है यही आर यहाँ पे आ रहा है है ना तो इसी सिग्मा को मैं और थोड़ा सा सॉल्व करके और क्या लिख सकते हैं ये टू बाई एट बाहर हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू जीरो नीचे टू में फिर इसी फॉर्मेट का बन रहा है आर प्लस वन है उसके नीचे में एक ज्यादा टर्म है यहाँ पे मैं फिर से नाइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा ठीक है तो अब ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा नाइन सी आर प्लस टू ठीक है ये बाहर में ये टर्म है और ये सिग्मा क्या हो गया आर इक्वल टू जीरो टू सेवन नाइन सी आर प्लस टू ठीक है ये हमारा सिग्मा के अंदर है नाइन सी आर प्लस टू ठीक है अब सिग्मा को आप ओपन कर दो तो सिग्मा को ओपन करोगे तो ये टर्म तो बाहर है आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी तो कितना हो जाएगा नाइन सी टू प्लस नाइन सी थ्री प्लस नाइन सी फोर और ये कहाँ तक जाएगा 9 9 तक है ना आर की वैल्यू जब सेवन हो जाएगी तो ये नाइन हो जाएगा अब देखो ये सीरीज का सम हमें ऑलमोस्ट पता होता है बस स्टार्टिंग की कुछ वैल्यू मिसिंग है कौन सी वैल्यू मिसिंग है नाइन सी वन मिसिंग है और नाइन सी जीरो मिसिंग है तो नाइन सी वन और नाइन सी जीरो मैंने ऐड कर दिया तो नाइन सी जीरो और नाइन सी वन मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक का ये कंप्लीट सीरीज है तो इसका हमें समेशन पता होता है इसका समेशन कितना होता है टू टू दावर नाइन है ना तो ये एट इंटू नाइन है और ये क्या बन जाएगा टू टू दावर नाइन माइनस नाइन सी जीरो माइनस नाइन सी वन है ना और इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है टू बाई एट इंटू नाइन टू टू दावर नाइन कितना होगा टू टू दावर टेन वन जीरो टू फोर होता है ये कितना दे देगा फाइव वन टू नाइन सी जीरो की वैल्यू वन होती है और नाइन सी वन नाइन होता है. है ना तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लो सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना दे देगा है ना यहाँ से देखो टू से ये कैंसिल हो गया फोर है ना तो ये सिंप्लीफाई हो गया कितना दे देगा फाइव जीरो टू टेन हो गया डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स ये कुछ टर्म यहाँ से और कैंसिल होगा ठीक है कैंसिल हो होकर कितना दे देगा टू फिफ्टी वन बाई एटीन है ना कितना आ जाएगा टू फिफ्टी वन बाई एटीन तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है टू फिफ्टी वन बाई एटीन आप बी ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस थ्री बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ठीक है देन सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इमेजनरी पार्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है so इसका इक्वेशन का रूट निकालना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई कर दो जेड टू दावर फोर प्लस जेड स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ठीक है और इसका हमें फैक्टर भी दिख रहा है क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस थ्री और यहाँ से हमें दिख रहा है कि जेड की इमेजनरी वैल्यू आएगी तो जेड की इमेजनरी वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस के साथ आई और यहाँ पे प्लस माइनस के साथ रूट थ्री आई ठीक है और हमसे पूछा क्या सम ऑफ इमेजनरी पार्ट तो देखो पूरा इमेजनरी पार्ट है बस हमें इसका इमेजनरी पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है है ना तो कौन सी हो जाएगी वन का मॉड प्लस माइनस वन का मॉड प्लस रूट थ्री का मॉड प्लस माइनस रूट थ्री का मॉड है ना तो सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा टू प्लस है ना इजी था तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा ये ऑप्शन आप यहां पे मार्क कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट हमारे है पास y एक फंक्शन हमें दिया हुआ है y equal to ln x by x और हमसे डबल डेरिवेटिव हमें इसका निकालना है ठीक है तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्वेश्चन टूल लगेगा पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को सेम रखेंगे तो ये माइनस टाइम्स ऊपर वाले को सेम रखा नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर है ना तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वन माइनस एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर ठीक है और इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव इसने पूछा है तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इन ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स माइनस टाइम्स ऊपर वाले को सेम रखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स ठीक है डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर फोर ठीक है इसको सिंपलीफाई कर लो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस का यहाँ से कितना जाएगा माइनस ट्वाइस एक्स और माइनस माइनस प्लस टू एक्स एलेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर फोर ठीक है ये हमारा वाई डबल डैश आ गया तो तो y की कितनी x देखो हो हो जाएगा, तो कितना बचेगा? -1, ये ये गया, ठीक है? प्लस 2 divided by x3, ठीक है? है? तो हमारा इसका डेरिवेटिव है और इसने डेरिवेटिव कितना बता रखा है टू बाई एक्स क्यूब एल एन एक्स माइनस लेमडा ठीक है तो इसके साथ हम इसको कंपेयर कर लेते हैं तो एक्स के साथ इसको ऊपर से अगर टू कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा एल एन एक्स माइनस थ्री बाई टू तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी लेमडा की वैल्यू हो जाएगी तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी है तो ना यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है तो माइनस लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री बाई टू कौन सा ऑप्शन आप मार्क कर पाओगे फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वन बाई टू टू पावर आर ठीक है ये फर्स्ट है दूसरा है सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वन बाय थ्री टू पावर के ठीक है और नेक्स्ट नीचे में है सिग्मा सॉरी के पे लिमिट है इक्वल टू जीरो टू और ये p पे है p इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी टू बाई थ्री टू दावर पी ठीक है सब में देखोगे कि बेस हमारा वन से कम है तो इनफाइनाइट सीरीज का हम सम लिख सकते हैं ठीक है तो ये हमारा gp बन रहा है ये भी gp बन रहा है और ये भी जीपी तीनों gp है और इनफाइनाइट टर्म है तो उसका हम सम लिखा जा सकता है तो पहले वाले का सम क्या हो जाएगा वन बाई वन माइनस आर ठीक है दूसरे वाले का क्या हो जाएगा वन बाई वन माइनस आर ठीक है नीचे वाले का वन माइनस सॉरी वन बाई वन माइनस आर टू बाई थ्री है ना तो इनफाइनाइट सीरीज का सम यही होता है बस वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो यहां से वैल्यू कितनी दे देगी ये हाफ का टू दे देगा ये कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू हो जाएगा ठीक है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री माइनस टू वन तो ये नीचे का थ्री दे, दे देगा तो यहां से ये यह कैंसिल हो गया और थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी वन तो कौन सा ऑप्शन हम मार कर सकते हैं वन ठीक है तो सिंपल सा है बस इनफाइनाइट सीरीज का सम वाला फॉर्मूला हमने यहां पे बस यूज किया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रैंगल दिया हुआ है ट्रैंगुलर पार्क विथ पी क्यू एंड पी आर इक्वल टू टू मीटर ठीक है तो यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से ठीक है तो ये हमारा पी क्यू आर एक ट्रेंगल हो गया, ये हमारा हो गया। P, Q, और R. और इसमें ये दोनों लेंथ क्या है इक्वल है वो दिया हुआ है टू हंड्रेड मीटर और टीवी टावर स्टैंडिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर क्यू आर का मिड पॉइंट ये होगा क्यू आर का लेंथ हमें नहीं पता है ठीक है और यहाँ पे एक टीवी टावर लगाया गया ठीक है तो ये मैंने टीवी टावर लगा दिया क्योंकि ये ट्रैंगुलर पार्क है है ना और इस पर लगाएंगे तो ये क्या होगा ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है ठीक है तो क्योंकि थ्री फिगर है तो थोड़ा सा उसे आप ध्यान देना ठीक है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है और यहाँ से क्या बोल रहा है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पी क्यू आर इज है ना तो यहाँ से जो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल ठीक है इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दो तो आपको ये एंगल सही से दिखेगा ठीक है ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है ये एंगल हमें फोर्टी फाइव डिग्री दिया हुआ है ठीक है सिमिलरली इसको यहां से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है ये एंगल हमें थर्टी डिग्री दिया हुआ है ठीक है और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है ये हमें थर्टी डिग्री दिया हुआ है ठीक है तो ये जो पोल है ये परपेंडिकुलर टू पी क्यू आर है ठीक है तो ये एंगल भी 90 है ये एंगल भी 90 है तो इस वाले पॉइंट को कुछ भी एज्यूम कर लो ये ओ हो गया और ये टी मान लेते हैं और ये हाइट हमें नहीं पता जिसको हम एच एज्यूम कर लेते हैं ठीक है तो हमें हाइट ऑफ टावर ही निकाल लिया मीटर के टर्म्स में तो देखो अगर हम यहां से इस वाले पार्ट को आप देखोगे है ना इस वाले पार्ट को देखोगे क्योंकि हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है ठीक है और ये आइसोसलेस ट्रेंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना दे देगा नाइन्टी डिग्री दे देगा है ना तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस वाले ट्रेंगल की बात करूं टी ओ आर ठीक है ट्रेंगल टी ओ आर तो टी हमारा ये एक हाइट है ये कितनी है एच बेस हमारा हो गया ओ है ना तो ये ओ आर और ये टी है ठीक है इसको मैंने टू डी में प्लॉट किया ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है थर्टी डिग्री तो हम बेस ओ आर निकाल सकते हैं कि नहीं बेस क्या हो जाएगा टेन अगर मैं इसको X से ज़ूम कर लूँ तो टेन थर्टी डिग्री कितना हो जाएगा H बाई एक्स और ये कितना देगा वन बाई रूट थ्री एक्स की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं h रूट थ्री नहीं तो है नहीं कितना हो जाएगा एच रूट थ्री यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एच रूट थ्री क्लियर है ये कितना हो जाएगा एच रूट थ्री इस वाले ट्रैंगल में देखोगे पी टी ओ में ट्रैंगल पी टी ओ में यहां पे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं देखो ये मेरा ये वाला हो गया लेंथ ठीक है ये मेरा P है जहां पे एंगल फोर्टी फाइव डिग्री बन रहा है ये हमारा T है टॉप और ये मेरा O है

रूट थ्री एच का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो पी आर और पी आर हमें कितना दिया हुआ टू हंड्रेड का स्क्वायर ठीक है तो यहां से कितना हो जाएगा 200 200. ठीक है कैंसल हो जाएगा तो ये हंड्रेड और ये हंड्रेड हो जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हंड्रेड मीटर तो हाइट कितनी हो जाएगी हाइट हम यहाँ पे हाइट ऑफ टावर हम कितनी फिल कर सकते हैं हंड्रेड मीटर ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट हमारे है पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द फॉर्म हमारे पास एक लाइन है जो इस फॉर्मेट का दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू जीरो ठीक है और यहां पे ये यह मिसिंग है पी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है ठीक है तो यहां पे ये यह ऐड कर लो पी क्यू

तो अगर आप ये इलिप्स ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस टाइप का इलिप्स हो जाएगा है ना इस टाइप का कुछ इलिप्स बनेगा ये ठीक है एक्स को जीरो करेंगे तो वाई फिफ्टी हो जाएगा और वाई को जीरो करेंगे तो एक्स कितना दे देगा है ना और ये सिंपली कितना है फोर है ठीक है तो इस टाइप का फिगर बनेगा हमारा तो अब देखो कि ये हमारा अगर इलिप्स है तो हमें इंटीग्रल वैल्यू ही चाहिए ठीक है तो इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या होना होगा यहां से आप देख सकते हो कि वाई स्क्वायर को अगर आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टी माइनस एक्स वाई टू का होल स्क्वायर है ना और वाई लिखोगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा और सिमिलरली अगर एक्स लिखोगे एक्स कितना हो जाएगा टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी माइनस वाई है ना रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव होनी चाहिए तो यहां से आप यहां से आप वाई की लिमिट निकाल सकते हो वाई की लिमिट कहा कितनी होगी फाइव है ना वाई की लिमिट कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी से लेके स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फिफ्टी तक है ना और सिमिलरली वाई की एक्स की देखोगे तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी और ये लेस देन इक्वल टू माइनस टाइम्स टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टी है ना अब देखो यहां से अगर इंटीग्रल वैल्यू की हम बात बात करें तो y की इंटीग्रल वैल्यू क्या-क्या पॉसिबल है तो y की इंटीग्रल वैल्यू -7 हो सकता है है ना minus -6 minus -5 minus -4 और ये सारी लेके है ना सारी वैल्यू से अप टू 7 तक सारी वैल्यू आएगी ठीक है वैसे ही अगर x की बात करोगे तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी -14 से लेके +14 तक ठीक है तो ये आप चेक कर सकते हो ये दोनों इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है अब हमें देखना है कि कौन कौन से इंटीजर वैल्यू क्योंकि हमें दोनों एक्स और वाई दोनों इंटीजर चाहिए है कि नहीं तो दोनों अगर इंटीजर चाहिए तो देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर मैं एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर मैं टू ले लेता हूँ ठीक है तो हमारे पास इक्वेशन क्या है इक्वेशन हमारा ये वाला फॉर्मेट है एक्स तो की वैल्यू अगर टू हो जाएगी तो वाई की वैल्यू हमारे पास इंटीजर पॉसिबल है तो वाई की वैल्यू कौन सी हो सकती है प्लस माइनस का सेवन ठीक है और क्योंकि y में भी x में भी है तो x का भी प्लस माइनस टू सेटिस्फाई करेगा ठीक है सिमिलरली तो x वन के लिए चेक करोगे तो के लिए कुछ नहीं मिलेगा x इक्वल टू टू के लिए मिलेगा थ्री चेक करोगे है ना थ्री चेक करोगे वहां से भी नहीं मिलेगा फोर चेक करोगे वहां से भी नहीं मिलेगा फाइव चेक करोगे तो फाइव से भी नहीं मिलेगा सिक्स सेवन से भी नहीं मिलेगा एट नाइन टेन पे आएगा ठीक है तो x की वैल्यू अगर प्लस माइनस टेन होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस x की वैल्यू टेन हो जाएगी तो फाइव ये प्लस माइनस यहाँ पे फाइव दे देगा ठीक है तो ये वैल्यू पॉसिबल है और एक वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी आपकी अगर x की वैल्यू प्लस माइनस फोर्टीन पुट करोगे क्योंकि हाफ करोगे तो वो सेवन हो जाएगा उस तरफ जाके वो वन दे, दे देगा तो ये कितनी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस वन हो जाएगी ठीक ना? अब देखो कि आपके पास कितने पॉइंट्स पॉइंट्स पॉसिबल पॉसिबल हैं, ठीक है? कितने होंगे? तो की वैल्यू टू टू तो पहले वाले से हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी है चार पॉसिबिलिटी सेम, सेम उसी तरीके से हमारे पास सेकेंड वाले से भी कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी यहां से हमारे पास चार आ गई इसी से इसी तरीके प्लस माइनस का लिखोगे तो यहां से भी चार आएगा और से भी टोटल चार आएगा। तो टोटल, की बात तो टोटल हमारे पास 12 हो गए. ठीक है और हमें टोटल नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए तो टोटल लाइन्स कितनी हो जाएंगी टोटल लाइन्स हो जाएगा पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स आप जितने तरीके से चूज कर पाओगे उतने आपके पास वैल्यूज वेल्यूज उतने लाइंस आ जाएंगे तो टोटल की वैल्यू तो दे 66. 66 पॉसिबल है ठीक है लेकिन आपके पास एक कंडीशन और दे रखा है एक कंडीशन यहाँ पे यह है कि P और Q क्या है जीरो नहीं होना चाहिए P और Q अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा देखो P की वैल्यू जाएगी तो जो हमारा लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा ठीक है और Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारा वर्टिकल लाइन हो जाएगा ठीक है तो ये कह रहा है कि जितने लाइंस आपने ड्रॉ किए वो तो सही है लेकिन हमें उसमें से कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं चाहिए ठीक है तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पे प्लॉट करके देखोगे जैसे ये टू है है ना तो एक्स की वैल्यू टू यहाँ कहीं भी होगी ठीक है तो टू होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा ठीक है x की वैल्यू 10 लोगे तो 10 यहाँ पे कहीं एज्यूम कर लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 5 ऊपर और y की वैल्यू 5 नीचे ठीक है x की वैल्यू 14 लोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया ठीक है सिमिलरली आपके पास सेम टाइप के पॉइंट इधर भी आएंगे और इधर भी आएंगे ठीक है तो आप ध्यान से देखोगे तो टोटल तो जो ट्वेल्व पॉइंट्स है वो यही ट्वेल्व पॉइंट्स है ठीक है हर एक क्वाड्रेंट में देखो तीन तीन पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हमें नहीं चाहिए तो देखो इस दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपका फॉर्म होगा ठीक है तो हमें लाइन तो 66 लाइन हमारे पास बन रही है लेकिन उस लाइन में एक लाइन ये लाइन भी होगा दूसरी लाइन ये लाइन भी होगी और तीसरी लाइन ये वाली लाइन भी होगी ठीक है तो टोटल थ्री लाइन्स हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो भी पॉजिटिव साइड में सेम उसी तरीके से थ्री लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास नीचे भी आएंगे ठीक है बस ज्वाइन करके देखना सही तरीके से प्लॉट नहीं हुआ है तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हो जाएंगे ठीक है अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस आप काउंट करोगे कितने हो जाएंगे टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हो जाएंगे सिक्स और टोटल वर्टिकल लाइंस कितने हो जाएंगे टोटल वर्टिकल लाइन सेम उसी तरीके से आप ड्रॉ करोगे है ना तो वो भी सिक्स आ जाएगा ठीक है यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो यहां से अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक दो तीन यहां पे और तीन फिर यहां so, so, लेकिन हमें ये लाइंस नहीं चाहिए क्योंकि नॉट इक्वल टू है है ना तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ लाइंस हम कितने है? लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस इसमें से कौन सा लाइन चाहिए जहां पे पी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है ठीक है तो इसके लिए कितने हो जाएंगे 66 तो पहले से था इसमें से 12 हमें माइनस करना पड़ेगा कितना आ जाएगा 54 ठीक है तो यहाँ पे हम कितना फिल करेंगे इस वाले केस में टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो इंटीग्रल पॉइंट्स काउंट करेगा वो कितना हो जाएगा 54 लाइंस लाइन्स यहाँ पे पॉसिबल है ठीक है समझ में आ रहा है तो ये काउंटिंग था तो वो हमें करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे है पास a1, a2, b1, b2 टेकन फ्रॉम the वैल्यू वन माइनस वन और जीरो इससे हमें हमें चार वैल्यू यानी ए वन ए टू ठीक है और बी वन बी टू जो है वो इसी में से कोई तीन वैल्यू ले सकता है ठीक है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो ठीक है तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में देख लेते हैं है ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में क्या होगा तो पहले ए वन के लिए कितने ऑप्शन है ए वन के लिए थ्री ऑप्शन है है ना ए टू के लिए कितने हैं थ्री है बी वन के लिए थ्री और बी टू के लिए थ्री तो सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे थ्री टू पावर फोर ठीक है और जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट्स हैं ऐसे ठीक है तो यहाँ पे आपको दो तीन केसेस लेना पड़ेगा केस वन जब a1, a2 देखो क्योंकि हमें इसी तीन वैल्यू में से है तो अगर दोनों इक्वेशन इक्वल है ए वन ए टू इक्वल टू बी वन बी टू तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सारी वैल्यू या तो जीरो हो जाए या वन हो जाए है ना तो ए वन ए टू इक्वल टू बी वन बी टू के लिए क्या पॉसिबिलिटी है या तो ये जीरो होगा प्रोडक्ट या वन होगा या माइनस वन होगा है ना तो यही तीन केसेस हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको इन तीनों केसेस के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा कितनी पॉसिबिलिटी है ठीक है तो ए वन ए टू बी वन बी टू के लिए अगर आप चेक करोगे तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं ए वन ए टू बी वन बी टू ठीक है अगर ए वन ए टू इक्वल टू जीरो है इसका मतलब दोनों में से कोई एक जीरो होगा ठीक है तो मैं पहली पॉसिबिलिटी ले रहा हूं कि अगर मैं ए वन को जीरो ले लूँ तो ए टू क्या क्या हो सकता है ए टू हमारा जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है माइनस वन भी हो सकता है ठीक है नहीं तो ये देखो हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटी बन रही है फर्स्ट वाले केस के लिए जब हमने ए वन को जीरो लिया

तो ए टू जीरो न, A2 को जीरो करोगे तो ए वन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसका काउंटिंग ऑलरेडी पहले हो चुका है दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है या तो ये वन होगा या फिर ये वन होगा ठीक है और यहां से भी आप देख पाओगे टोटल कितने केसेस होंगे पांच 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 केसेस होंगे तो टोटल केसेस इस वाले केस में कितने होंगे टोटल हमारे पास टोटल यहां से ट्वेंटी फाइव केसेस पॉसिबल है ठीक है ना फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव ठीक है तो केस वन से हमारे पास 25 केसेस आ रहा है केस टू की बात करें a1 a2 इक्वल है b1 b2 के ठीक है लेकिन वो इक्वल किसके है? 1 के इक्वल है ठीक है अब 1 के इक्वल है तो क्या-क्या पॉसिबिलिटी -क्या हो सकती है a1 a2 का ठीक है और इसके कॉरस्पोंडिंग हम लोग b1 b2 कैलकुलेट करेंगे तो a1 a2 के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है दोनों या तो 1 हो जाए या फिर दोनों -1 हो जाए है कि नहीं अगर दोनों वन वन हो गए तो बी वन बी टू के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है बी वन बी टू दोनों वन वन हो जाए या दोनों माइनस वन वन हो जाए ठीक है तो यहाँ से कितने केसेस आ गए दो केसेस आ गए और सिमिलरली यहाँ पे फिर से आपके पास कितने केसेस होंगे फिर से दो केसेस होंगे है ना तो दोनों माइनस वन होगा तो भी प्रोडक्ट वन हो जाएगा तो इस वाले केस टू में टोटल केसेस हमारे पास कितने आ गए फोर केसेस ठीक है केस थ्री की बात करते हैं केस थ्री में क्या होगा ए वन ए टू इक्वल टू बी वन बी टू इक्वल टू माइनस वन है ना और माइनस वन के केस में कौन सी कौन सी पॉसिबिलिटी होगी तो फिर से चेक करते हैं ए वन ए टू और यहाँ पे हम लोग बी वन बी टू लिखेंगे तो ए वन ए टू माइनस के लिए एक वन होगा तो दूसरा माइनस वन होगा और एक माइनस वन होगा दूसरा वन होगा अगर ये पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है वन कॉमा माइनस वन और माइनस वन कॉमा वन और सेम केसेस यहाँ पे भी होगा इसके लिए दो केसेस और इसके लिए दो केसेस तो यहाँ से भी हमारे पास टोटल कितने केसेस बनेंगे टोटल फोर केसेस बन गए ठीक है तो अब हम अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस के एलिमेंट थ्री टू तो दावर फोर है ना तो ऊपर वाला सम कितना होगा एट प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई एट्टी वन ठीक ना और ये कैंसिल हो कितना दे देगा एट बाई इलेवन बाई ट्वेंटी सेवन है ना और ये प्रोबेबिलिटी बोलिए किसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी p बाई क्यू के इक्वल है तो ये इक्वल है p बाई क्यू के तो p की वैल्यू कितनी हो गई इलेवन और q की वैल्यू ट्वेंटी सेवन तो हमें किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है हमें वैल्यू इसने बोला है निकालने के लिए देखो टू पी क्यू माइनस टू पी ठीक ना हमें किसकी वैल्यू निकालनी है q माइनस टू पी तो Q की वैल्यू कितनी है Q तो हम 27 निकाल चुके हैं और P की वैल्यू 11 है तो 27 सेवन माइनस इलेवन कितना हो गया 22। तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी इसकी वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी ठीक है तो यहां पे आपको डिफरेंट केसेस बना के सॉल्व करना पड़ेगा तो आप आंसर निकाल पाओगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास

अब अगर इसने एक ऑब्जर्वेशन जो मीन के इक्वल है उसको अगर एड किया है तो वेरियंस पे वेरियंस का कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं है कि नहीं वेरियंस पे कोई ज्यादा चेंज होगा नहीं है ना इस वाले इस वाले पार्ट पे जो ये डेविएशन वाला पार्ट है डेविएशन वाले पार्ट पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा ठीक है लेकिन क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन उसने ऐड किया है तो टोटल नंबर ऑफ काउंट में चेंज हो जाएगा ठीक है तो पहला v1 था दूसरा क्या हो जाएगा v1 वन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन प्लस वन हो जाएगा ठीक है क्योंकि जब इस सिग्मा हम लिखते हैं है ना जब हम ये सिग्मा लिखते हैं तो ये क्या होता है ये सिग्मा क्या होता है ये जब आप सिग्मा लिखते हो तो एक्स आई माइनस एक्स बार है और उसने एक्स आई एक ऐड किया जो एक्स बार के ही इक्वल है तो एक्स बार माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो तो समेशन तो वन से लेके एन प्लस वन तक है लेकिन वैल्यू एक्चुअली में इसी के इक्वल होगी ठीक है और इसका रेशियो उसने कितना दे रखा है v1 बाई वी का रेशियो उसने दे रखा है चेंज होके 78 से ये 72 हो गया ठीक है तो v1 वन बाई इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा n प्लस वन बाई एन इक्वल टू सेवेंटी एट बाई ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेवेंटी एट एन इक्वल ये कितना हो गया आ, सिक्स हो गया सिक्स एन इक्वल टू सेवेंटी टू एन की इक्वल टू कितना हो गया? 12. है ना? तो टोटल नंबर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे आप ट्वेल्व कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे है पास एफ एक्स इक्वल टू दिस ये डिफाइन किया हुआ है और बोल रहा है कि ये कंटिन्यूस है पाई से थ्री पाई के बीच में देन नंबर ऑफ पॉइंट एट विच एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल ठीक है एफ एक्स डिफरेंशियबल कहाँ पे है नहीं पे है कहाँ है और नहीं है वो हमें चेक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले पहले कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट यूज करके पी क्यू और r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ठीक है तो अगर मैं एट x इक्वल टू थ्री पाई बाई टू की बात करूँ ठीक है एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई टू पे अगर आप चेक करोगे तो यहां पे देखो लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस माइनस ये प्लस कर देगा है ना तो ये माइनस टू पहले से था और साइन थ्री पाई बाई टू कितना दे देगा माइनस वन और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस थ्री पाई बाई टू कितना दे देगा जीरो वैल्यू कितनी आ गई क्यू तो क्यू तो की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली टू निकल के आ गई पहले वाले से दूसरे वाले पॉइंट कहाँ पे है एक्स इक्वल टू टू पाई पे तो एक्स इक्वल टू टू पाई पे अगर चेक करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी प्लस क्यू कॉस टू पाई की वैल्यू वन हो जाती है ठीक है और राइट right हैंड पे अगर चेक करोगे तो राइट right हैंड पे वैल्यू कितनी हो जाएगी वन माइनस टू तो यहां से p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का वन q की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है तो p यहां से कितना हो जाएगा p इक्वल टू माइनस का थ्री है ना तो हमने p निकाल लिया थर्ड पॉइंट पे आते हैं एट x इक्वल टू फाइव पाई बाई टू पे है ना तो फाइव पाई बाई टू पे अगर आप चेक करोगे तो कॉस्ट फाइव पाई बाई टू कितना दे देगा जीरो माइनस टू और राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आर साइन फाइव बाई टू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू है ना तो देखो हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली अब अगर आप फंक्शन को फिर से लिखोगे तो फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा देखो माइनस टू साइन एक्स पी की वैल्यू हमारे पास माइनस थ्री है तो ये माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस टू थर्ड वाला कॉस एक्स माइनस टू और फोर्थ वाला आर आर की वैल्यू माइनस टू है तो माइनस टू साइन एक्स है ना और ये कहाँ पे आ जाएगा ये एक्स की वैल्यू लेस देन थ्री पाई बाई टू ये थ्री पाई बाई टू से लेके टू पाई तक ठीक है नेक्स्ट कहाँ पे है नेक्स्ट है हमारा टू पाई से लेके पाई पाई बाई टू तक और ये बाई टू से लेके पाई तक ठीक है तो ये हमारा पूरा इंटरवल है अब ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रही है ठीक है तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो कहां कहां पे चेक करना पड़ेगा तो सिंपली आप क्या करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालते जाओ ठीक है और उस पॉइंट पे आप चेक करते जाओगे ठीक है तो अगर मैं थ्री पाई बाई टू पे डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करता हूं तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का टू है ना और थ्री पाई बाई टू दे देगी ये वैल्यू हो जाएगी ठीक है इस वाले पार्ट पे अगर चेक करोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री साइन एक्स है ना और ये जीरो पाई बाई टू पे ये क्या दे देगा थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन देगा तो है ना तो माइनस थ्री हो गया तो देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई टू फंक्शन हमारा क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है है ना नेक्स्ट पॉइंट टू पाई पे आते हैं तो टू पाई पे वैल्यू कितनी दे देगी माइनस का थ्री है ना ये कितना हो जाएगा माइनस का टू पाई पे फिर फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है तो ये कितना देगा माइनस माइनस प्लस थ्री साइन एक्स है ना और यहाँ पे चेक करोगे तो ये कितना दे देगा माइनस का साइन एक्स है ना ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स तो डेरिवेटिव निकाल के भी आप ये चीज चेक कर सकते हो कि वैल्यू क्या हो रही है ठीक है तो ये हमारा हो गया इस वाले पॉइंट पे ठीक है तो फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है डिफ्रेंशियबल है ना टू पाई पे अगर आप चेक करोगे तो टू पाई पे कितना हो गया इसकी वैल्यू टू पाई पे थ्री हो जाएगी है ना ये कितना दे देगा टू पाई पे एक्स लेस देन के लिए माइनस साइन एक्स ठीक है तो एक्स पाई बाई टू टू पाई है ना टू पाई पे आते हैं फिर से फाइव पाई बाई टू पे देखो फाइव पाई बाई टू पे इसकी इसकी डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी ये दे देगा माइनस साइन एक्स और ये डेरिवेटिव कितना माइनस टू एक्स और फाइव पाई बाई टू पे ये वैल्यू फिर से जीरो वैल्यू वन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से फिर से हमें ये पॉइंट डिफरेंशियबल नहीं होगा है ना हो तो फाइव पाई बाई टू पे भी वैल्यू क्या है हमारा डिफरेंशियबल नहीं है ठीक है टू पाई पे चेक करते हैं टू पाई पे हमारे पास सॉरी टू पाई पे हमारे पास ये वाला फंक्शन है एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है ठीक है तो टू पाई पे ये हमारे पास ये वाला फंक्शन है तो इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा ये पी की वैल्यू हमारे पास माइनस थ्री थी ठीक है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना होगा थ्री टाइम्स साइन एक्स है ना ये कितना दे देगा थ्री टाइम्स साइन एक्स और इस वाले पार्ट में यहां पे अगर आप चेक करोगे तो यहां से भी हमें कितना मिलेगा माइनस का साइन एक्स है ना और टू पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी टू पाई पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी तो टू पाई पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एंड पॉइंट पे तो हम चेक करते नहीं है तो कौन से कितने पॉइंट है हमारे पास एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहाँ पे है ना तो फंक्शन नॉन डिफ्रेंशिएबल कहाँ पे होगा नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू

Bye.